नमस्कार दोस्तों, संध्या विश किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। आज हम टमाटर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आए हैं, तो जिसके लिए हमने ये चार टमाटर ले लिए हैं। तो इन टमाटरों को पहले हमें काट लेना है। तो धोकर के हमने टमाटर लिए हैं, तो ये जो स्खल है इसे हम निकाल देते हैं। मोटा मोटा काट लेना है इस तरीके से। तो ये सारे टमाटर को हमें इस तरीके से मोटा मोटा ही काटना है। तो ये लीजिए, सारे टमाटरों को हमने काट करके तैयार कर लिया है। तो टमाटर को हमें पीस लेना है। तो ये लीजिए, टमाटर को हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये लीजिए, तेल गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया है। हल्की हल्की सी हीट आने लग गई है, तेल हमारा गर्म हो गया है। तब इसमें हमें डाल देना है 3-4 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। इन सारी सामग्रियों को अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा हमें हिला लेना है। और अब इसमें हम डाल देंगे 3-4 हरी मिर्च, थोड़ी सी कड़ी पत्ते, टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो हमें अच्छे से इसे पका लेना है। और अब इसमें हमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमने 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे। तो हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना था, जो ये हल्के हल्के से टुकड़े हैं टमाटर के, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो कैसा भी पीस सकते हैं। और इन्हें अच्छी तरीके से हमें पका लेना है। तो जब तक हमारा टमाटर पक रहा है, जब तक हम बेसन घोल लेते हैं, जिसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है। और अब इसमें हमें डाल देना है बेसन। तो ये हमने इसमें 4 चम्मच बेसन डाला है। और बेसन को हमें अच्छी तरीके से घोल लेना है पानी डाल करके इस तरीके से। तो इसका बिल्कुल पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो हमें इसमें पानी और डाल देना है। तो ये देखिए, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल पतला घोल तैयार करना है इस तरीके का, तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं अपना टमाटर देख लेते हैं कि पका है कि नहीं। तो ये लीजिए, हमारा टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गया है, सारे मसाले पक चुके हैं। और इसमें हमें ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालना था। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो ये हमने घोल तैयार करके रखा है बेसन का, वो डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसे इस तरीके से हमें चला लेना है। तो पानी इसमें थोड़ा सा हमें और डालना है, 1 गिलास के करीब पानी और डालना है। तो हमने पानी इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। तो हमारी कढ़ी को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। हमारी कढ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गई है। आप इसका कलर देख सकते हैं और कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। तो कभी कभार क्या होता है, अगर सब्जी घर में नहीं है तो आप इस तरीके से कढ़ी बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर कभी कभार सब्जी खाने का मन भी नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कुछ अलग सा खाएं, तो आप इस तरीके से कढ़ी बनाइए टमाटर की। ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बूंदी। ये बूंदी को हम इसमें डाल देंगे और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मार्केट की बूंदी है, और बूंदी घर में कैसे बनाते हैं उसकी कढ़ी की रेसिपी है मेरे चैनल पर। तो गैस को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि बूंदी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा डालकर, क्योंकि ये घुल जाती है बहुत ही जल्दी। तो ये लीजिए, हमारी बूंदी की बहुत ही टेस्टी टेस्टी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो कढ़ी को हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठे या फिर दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर सिर्फ चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।